Assalamu alaikum viewers, I am Syed Asnan and you are watching Syed Asnan YouTube channel and Facebook page. So guys, today class I am going to teach you how to use sum if in MS Excel. So आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कैसे हम सम इफ का यूज़ करते हैं और सम इफ का यूज़ हम क्यों करते हैं. सम इफ का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें शेड्स लिखी हैं, शेड्स की प्राइस यहाँ पे यूएसए में शेड्स सेल हुई है यहाँ पे 3000 शेड्स हमारी सेल हुई हैं. अब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे गारमेंट्स की कंपनी में काम करते हैं, आपने इस तरह की शीट क्रिएट की हुई है. अब वहाँ आपको जानना है कि सिटीज़ लिख लें, आप कंट्रीज लिख लें कि पाकिस्तान में कितनी सेल हुई है, पाकिस्तान में या इंडिया में, जापान में, इंग्लैंड में, यूएसए में, यूएई में. तो इस तरह आप अगर काउंट करेंगे, देखें यहाँ पर 3000 है एंड यहाँ शेड्स हमारी सेल हुई है 2500 5500 हो गए. इस तरह आप काउंट करने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, यहाँ पर 1000 3000 इस तरह काउंट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा. अगर हम सम इफ का यूज़ कर लें तो हमें इस तरह काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देखें सम इफ का यूज़ हम कैसे करते हैं. देखें इक्वल का साइन लेंगे, देन हम लिखते हैं एस यू एम आई एफ, देन हम करते हैं टैब पे क्लिक कर लें, यहाँ पर आप ब्रैकेट्स खोल लें. ठीक है, रेंज पूछता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछता है रेंज, रेंज आपने कौन सी देनी है. देखें रेंज आपने वो चीज़ देनी है जो आपको जिस चीज़ के बारे में पता करना है, जैसे शेड्स हो गई या फिर पेंट्स के बारे में पता करना है या फिर टाई के बारे में. अब देखें ये वाला जो हमारा सेल है ये ई है, हम लिखते हैं ई, ई के बाद ये कौन से नंबर पे 5, हम लिखते हैं 5. अब हमें नीचे तक सेलेक्ट करना है, हम ले लेते हैं कॉलन. कॉलन लेने के बाद शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम सेमी कॉलन पर क्लिक करेंगे तो कॉलन हमें मिल जाएगा. देन हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ तक ये हमारी रेंज है, ये है हमारी 38 तक, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 38 तक है. अब हम आ जाते हैं टॉप पे, अगेन टॉप पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे ई 38. तो इसने ये ऑल सेलेक्ट कर लिया. अब हमें क्या करना है, अब हमें देना है क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या, हमें जहाँ देखें अगर हम यहाँ पे मार्क का साइन देते हैं, अब ये वाला अगर मैं आई वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई वाला सेलेक्ट करने मैंने क्यों किया सेलेक्ट, मैंने ये इसलिए सेलेक्ट किया यहाँ मैं इंटर करूँगा शेड्स लिखूँगा तो मुझे ये वाले सेल में मेरी वैल्यू मिल जानी चाहिए, और अगर यहाँ मैं पेंट लिखूँ तो उसकी वैल्यू भी मिल जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज सेलेक्ट कर ली है. अब मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि मैं अगर यहाँ इंटर करूँ शेड्स तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाए, यहाँ मैं इंटर करूँ पेंट्स तो मुझे इन सब का समय करके वैल्यू यहाँ पे मिल जाए. पेंट्स जितनी भी दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ जितनी भी जगह पेंट्स की प्राइस जो भी क्वांटिटी है यहाँ पे मुझे उन सबको सम इफ हो जाए और यहाँ उसकी वैल्यू मिल जाए. तो इसलिए मैं करूँगा मार्क का साइन, देन मैं कर लूँगा यहाँ से लेके नीचे तक सेलेक्ट. तो मैं कर लेता हूँ जी 5 एंड ऐसे ही मैं कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के कॉलन, देन मैं कर लेता हूँ जी 38, देन मैं कर देता हूँ ब्रैकेट्स क्लोज. सो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, ब्रैकेट्स क्लोज कर लेते या आप ये इंटर कर लेते तो ये हो जाता, मैंने इंटर कर दिया. ठीक है, अब यहाँ देखें आप ज़ीरो आ रहा है. ज़ीरो ये क्यों आ रहा है, ये बिकॉज ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे जो मैंने कॉलन ये वाला खाली छोड़ा है, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं. ये जो मैंने कॉलन यहाँ पे इसका सेल जो मैंने खाली छोड़ा है, यहाँ मैं इंटर करूँ, यहाँ से जो मेरे नेम्स लिखे हुए शेड्स पेंट्स टाइप जो भी मैं इंटर करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एस एच आई आर टी, अब मैं इंटर करता हूँ तो देखें अभी ज़ीरो लिखा आ रहा है. क्यों आ रहा है ज़ीरो लिखा हुआ, ये क्योंकि यहाँ मैंने लिखा हुआ है शेड्स एस भी लगाया हुआ है. ठीक है, ये भी मिस्टेक होती है, ये मैंने की है इसलिए ताकि आप लोगों को पता लगे. अब मैं एस लिख के इंटर करूँ तो देखें यहाँ पर 13000 लिखा हुआ आ गया. अब आपको मैं बता देता हूँ, देखें अगर आप यहाँ से इसको काउंट करते 3000, उसके बाद यहाँ पे 2500 काउंट करते हैं, ये 5500 हो जाते हैं, फिर नीचे आते हैं. आप नीचे आने के बाद आप कैलकुलेटर में ढूंढते हैं कि देखें यहाँ पे 1000 है, 6.5 कर लिए. ठीक है, उसके बाद गिन लिए 3 यहाँ पर हैं. ठीक है, 6.5 के बाद 3 9.5 हो गए. इस तरह आप गिनेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा. सो सिंपल है, आपने इफ़ का यहाँ पर सम इफ़ का फॉर्मूला देखें लगा लेना है. देखें सम इफ़ लिखना है, उसके बाद आपने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जो नेम्स की है, उसके बाद आपने क्राइटेरिया बता देना है कि कहाँ आप नेम्स लिखें तो आपको मिल जाए. उसके बाद मार्क देने के बाद सम रेंज जो रेंज है आपने वो भी सेलेक्ट कर लेनी है. इंटर करते हैं हम, देखें यहाँ पर तो ये शेड्स की हो गई. अब यहीं आपको पेंट्स की मालूम करनी है, पेंट्स लिख लें आप इंटर करें तो देखें पेंट्स की मिल गई आपको. अब अगर हम अगेन शेड्स लिखते हैं यहाँ पर एंड एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं. देखें अभी अगर हमारी वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई बाद में चल के, तो हमने इसको एंटर करा, देखें यहाँ हमारी वैल्यू चेंज हो रही है बिकॉज़ यहाँ आपको हमने दिखा दिया. अगर हम यहाँ पे 1 कर दें तो देखें वहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई. अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ
1500 तो देखे वहाँ वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। सो ऊपर नीचे हमारी शेड सेल होती है, मंथली रिपोर्ट हो या वीकली रिपोर्ट आपको देनी है तो इस तरह आप दे सकते हैं। सो इस तरह अगर आप अगेन दूसरी जगह भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इक्वल देना है सिंपली, आपने सम इफ़ को यूज़ कर लेना है। सम इफ़ के बाद टैप पे क्लिक करना है, टैप पे क्लिक करने के बाद आपने ई जहाँ भी आपका वो है उसके बाद आपने कर देना है, जहाँ भी आपकी रेंज है वहाँ से आपने ले लेना है 38 तक। ई 38 ले लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं हमारा मार्कर साइन, हम ले लेते हैं ये वाला, सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्राइटेरिया बता देते हैं, फिर मार्क करते हैं हम। उसके बाद हम दे देते हैं इसको G5 से लेके कॉलन लगाते हैं, उसके बाद हम ले देते हैं इसको G38 तक, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ हमने इसको मार्कर साइन नहीं दिया था, डैट्स वाई इसने यहाँ पे हम दे देते हैं मार्कर साइन, ठीक है। मार्कर साइन देने के बाद यहाँ डॉट हमने जहाँ दिया है यहाँ देना है हमने मार्कर साइन। तो देखें अब हमारा काम बिल्कुल करेक्ट हो गया। हम इंटर प्रेस करते हैं, देखें यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ टाई, तो देखें यहाँ पर टाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ही मैं लिख देता हूँ शूज़, तो देखें शूज़ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ही मैं लिख देता हूँ पैंट, तो देखें पैंट्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारा यूज़ होता है सम इफ़ का। सो होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आगे अपने दोस्तों का इसको शेयर करें। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।